अब जो नीतीश कुमार खेला करते रहे हैं धोखा का, अब उस नीतीश कुमार के बारे में अपना मत इस बिहार के लोग आम लोग बना दें कि नीतीश कुमार क्या है, तब लोग कहेंगे कि आप कहें नीतीश कुमार के साथ गए तो हम तो नीतीश कुमार के साथ गए, ये लालू यादव के साथ थे सब, हटे समता पार्टी बनाए, जनता दल यू बनाए, हमारे साथ गठबंधन करके पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री बने, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, चलते चले गए, हमने विश्वास किया कि साधु महाराज हैं, हमारे दरवाजे पर आइए बढ़िया से खिलाए, हम क्या जानते थे कि साधु महाराज डाकू है कि सब रात में सो जाएगा, हमारा परिवार को मार के सब दौलत लेके भाग जाएंगे। एक बार नीतीश कुमार जब गए थे मुझको छोड़ के आरजेडी के साथ, अब मैं कह रहा हूँ जब कभी तो कहता हूँ जनादेश का, जनादेश का, तो नीतीश कुमार मेरे से छोड़ के गए तो जनादेश की अवहेलना करके आरजेडी में गए, गए आरजेडी के साथ जनादेश चुनाव लड़े, जनादेश की अवहेलना करके भाजपा से आए, और फिर भाजपा के साथ चुनाव लड़के जनादेश की अवहेलना करके फिर आरजेडी के साथ गए, आरजेडी के साथ गए, और दोनों की राजनीतिक मजबूरी, आरजेडी गठबंधन की भी मजबूरी है कि अकेले वो अपने गठबंधन से सरकार नहीं बना सकते, भाजपा की मजबूरी बिहार में है अकेले सरकार नहीं बना सकते, तथ्य है तो कोई गठबंधन होगा, और बीच में नीतीश कुमार है, तीसरा पार्टनर नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार पर भाजपा के साथ आए तो इस बिहार के लोगों ने विश्वास किया कि नीतीश कुमार ठीक गठबंधन में सही है, इनके लोग भाजपा के भी मतदाताओं ने समर्थकों ने विश्वास किया। अब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, आरजेडी के साथ किसी कारण से उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान करके विधानसभा में भाषण देके विधानसभा में उन्होंने कहा कि अब जीवन में कभी आप लोगों के साथ हम जाएंगे, ये तो रिकॉर्ड है। और फिर नीतीश कुमार जो जिस कारण से आरजेडी को छोड़े थे वो सभी कारण अपने जगह पर वैसे ही मौजूद है, जिस कारण से गए थे वैसे ही है, और फिर नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ करके आरजेडी के साथ चले गए। तो इसमें मैं न आरजेडी को कोई गलत कहता हूँ, न कांग्रेस को गलत कहता हूँ, न मैं वामपंथी को गलत कहता हूँ, न भाजपा को गलत कहता हूँ कि भाई किसी न किसी के साथ इनको सरकार बनाना था, नहीं तो फिर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराओ फिर चुनाव कराओ, तो हम बिहार को राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो, बार बार चुनाव नहीं हो इसलिए रास्ता निकाले, और कितने दिन तक हम साथ चले, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, आप बताइए 2000 से और नीतीश कुमार के साथ हम चलते चले आए 10 बरस 12 बरस उनके साथ भरोसा करके चले, तो जो आदमी 10 बरस 12 बरस 14 बरस किसी के साथ चलता है तो भरोसा हो जाता है, और नीतीश कुमार चले गए फिर आरजेडी के साथ चले गए। अगर आप कहिएगा तो गलती हुई, गलती नहीं हुई, रणनीति है, मजबूरी है गठबंधन राजनीति की, केंद्र में भी 30 बरस तक गठबंधन की राजनीति चली, मजबूरी थी, और आज मजबूरी नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों ने 30 बरस के बाद अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत दे दिया तो एक नरेंद्र मोदी की सरकार है, गलत या सही, नरेंद्र मोदी की नीति से कोई सहमत हो असहमत हो आलोचना करे, पसंद हो ना पसंद हो अलग बात है, लेकिन निर्णय करने में नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से है भाजपा, तो निर्णय करने में किसी से कोई राय विचार करने की जरूरत नहीं है, मेरा रास्ता है गलत है या सही है ये निर्णय भविष्य करेगा कि हम गलत किए कि सही किए, इस पर बहस होते रहेंगे, लोकतंत्र है होना भी चाहिए, लेकिन गठबंधन की राजनीति की मजबूरी है, और उस मजबूरी के कारण ये दुष्परिणाम देश के लोगों ने बहुत दिन भोगा और बिहार इतने दिन से भोग रहा है, तो अब हर पार्टी की मजबूरी है लेकिन जनता की तो कोई मजबूरी नहीं है। 18 बरस में भाजपा की सरकार, बिहार में भाजपा अकेले क्यों नहीं लड़ती? भाजपा अकेले भी लड़ती थी, ये नहीं है लड़ जनसंघ काल से, तब तो सत्ता में कभी नहीं आई बिहार में अकेले, हम कभी सत्ता में आए नहीं अकेले लड़े, तब भी 77 में मिलीजुली सरकार बनी और तब हम साथ मिल के आए, और 67 में और 67 के बाद जब टूटे तो फिर आते आते 77 में सरकार बनी, तो वो भी मिलीजुली सरकार थी, एक पार्टी अनेक
झंडा एक तो रूप अनेक, फिर किसी कारण से सब अपने अपने अलग हो गए।